क्लास आई एम डिस्कसिंग अबाउट द फाइलम. सो द क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विद मैमल्स कॉन्स्टिट्यूट द नेक्स्ट कैटेगरी कॉल्ड द फाइलम. ठीक है, तो जो क्लासेस जो होती हैं, जब हम सारी क्लासेस को एक साथ मिला देते हैं तो वो क्या बन जाती हैं? फाइलम. जैसे कि जो कि एक कॉमन फीचर्स के ऊपर बेस्ड होती हैं, दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी. नोटोकॉर्ड मतलब रीढ़ की हड्डी. एंड द डॉर्सल हॉरो न्यूरल सिस्टम, मतलब आधा न्यूरल सिस्टम बना और आधा नहीं. ठीक है, दे आर इंक्लूडेड इन द फाइलम कॉर्डेटा. तो जिनकी नोटोकॉर्ड है और न्यूरल सिस्टम बनाया है, नर्वस सिस्टम पूरा बनाया है, उनको हमने किस में बनाया है, किस कैटेगरी में प्लेस किया है? कॉर्डेटा. इन केस ऑफ प्लांट क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइंड टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड द डिवीजन. इनको हमने क्या कहा है? डिवीजन भी बोला है. ठीक है, एंड द लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट विच हैज ऑल द काइंड ऑफ कैटेगरीज इन इट इज द किंगडम. सो ऑल प्लांट्स का हमने एक अलग किंगडम बना दिया है, एनिमल्स का एक अलग किंगडम बना दिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अलग किंगडम बना दिया है. ये आप लोग आगे की सिस्टम पढ़ोगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइव किंगडम. हमारा आज भी ऑर्गेनिजम्स की स्टडी जो है किंगडम्स के फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के ऊपर ही बेस्ड है. ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइन टू द हाइस्ट कैटेगरी कॉल्ड द किंगडम एनिमिलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स. The kingdom Plantae on the other hand is distinct and comprises all plants from various divisions. Henceforth we will refer to these two groups as animals and the plant kingdom. The taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order. Ascending मतलब होता है छोटे से बड़ा. Starting with the species, these are the broad categories. However, taxonomists have also developed subcategories in the hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa. ठीक है, तो यहीं पे हम इतना ही पढ़ेंगे अभी. इसमें आप ये देखिए, ये स्पीशीज़ है. स्पीशीज़ में ज़्यादा कैरेक्टर्स थे, कॉमन थे, मतलब ज़्यादा ही कैरेक्टर्स जो बहुत रिजेंबल करते थे उनको हमने इंक्लूड किया था. फिर उसके बाद जीनस, ऑल द स्पीशीज़ वेन ग्रुप टुगेदर they form genus, when the all genus group together they form family, then order, then class, then phylum, or then last is the kingdom. इस sequence को याद रखने के लिए मैं आपको एक magical sentence दे रही हूँ. Keep your pot clean, otherwise family get sick. Keep your pot clean, otherwise family get sick. तो keep में जो पहला के है उससे kingdom हो गया, पॉट से फाइलम हो गया, क्लीन से क्लास हो गया, सी से अदरवाइज का ओ, फैमिली का फैमिली, गेट का जी, और स्पीशीज का सिक का हो गया स्पीशीज. सो कीप योर पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक. अगर आप इसको याद करो या अपनी तरफ से और भी कोई सेंटेंस बना सकते हो तो आपको ये हमेशा सीक्वेंस याद रहेगा. ठीक है, ओके. तो स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड द किंगडम, दिस इज द सीक्वेंस इन द असेंडिंग ऑर्डर. नाउ द लोअर द टैक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर. हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेशनशिप. जैसे अगर हम प्लांट में बात करेंगे, प्लांट किंगडम्स ही, तो उसमें ज़्यादा ही सारे कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो इसमें हमें पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. लेकिन हम स्पीशीज की बात करेंगे तो हमको स्पीशीज में, क्योंकि कम कैरेक्टर्स, मतलब आप कोई बहुत ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें नहीं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हैं, तो उसमें हमको पहचानने में थोड़ी मुश्किल कम होगी. जैसे शीप है, तो शीप का, शीप और शीप हम पहचान सकते हैं कि दीज आर बिलोंग टू द सेम स्पीशीज एंड ऑल. ओके, नॉट टेबल 1.1 इंडिकेट सम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन विच सम कॉमन ऑर्गेनिजम्स लाइक हाउस फ्लाई, मैन, मैंगो एंड वीट बिलोंग. ओके, जैसे मैन की एग्जाम्पल ले लेते हैं. मैन इज होमो सेपियंस, इट्स जीनस इज होमो, फैमिली इज होमिनिडेन, ऑर्डर इज प्राइमेटा एंड क्लास इज मैमेलिया. हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, मस्का जीनस,
Musidae is family, Diptera is the order, and class is the insecta. Okay, so that is all about today's. I'll give you the summary chart in my next video, so which will be helpful for you for your notes, for your making notes. Student, I'm just hoping that whatever the question I'm giving you are doing it that in a proper way. आप अगर वो क्वेश्चन जो डे टू डे बेसिस में आपको दे रही हूँ अगर प्रॉपर वे में बनाते हो करते हो तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत उतनी नहीं होगी. अदरवाइज यू कैन प्रिपेयर योर नोट्स ऑल्सो एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प फॉर द नोट्स यू कैन आस्क टू मी. ओके, तो इन माई नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द टैक्सोनॉमिकल एड्स. टैक्सोनॉमिकल एड्स का एक इंट्रो दे देती हूँ. वो एड जो कि हमें क्लासिफिकेशन में हेल्प करते हैं, we are called it the taxonomical aids. Okay, so that's all for today. Thank you and have a nice day.